हेलो गाइस, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं देसी चैनल। देसी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने लगे हैं दर्शन जरीवाला जी की, जो कि अपनी बेस्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। आज अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर स्पेशली आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। सिनेमा जगत में बहुत से अभिनेता ऐसे हैं जो अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हीं एक्ट्रेस में से एक है दर्शन जरीवाला। इंडस्ट्री में लंबे समय से टिके हुए अभिनेता दर्शन जरीवाला आज यानी कि 29 सितंबर को अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। कॉमेडी फिल्मों से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले दर्शन जरीवाला ने अपनी गजब की कॉमेडी टाइमिंग से लोगों के बीच एक खास पहचान बनाई है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि दर्शन जरीवाला ने फिल्मों के साथ साथ टीवी की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको दर्शन जरीवाला के जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। दर्शन रावल का जन्म 29 सितंबर 1958 में गुजराती परिवार में हुआ था। टीवी से फिल्मों तक लंबे समय से अपने कदम जमाते हुए दर्शन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती नाटक से किया था। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके दर्शन का पहला प्यार गुजराती नाटक है। दर्शन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अंदर की कलाकार की प्यास नाटक से ही बुझती है। दर्शन को फिल्म गांधी माय फादर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने सभी को कायल कर दिया था। समीक्षकों के साथ साथ फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। दरअसल फिल्म देखकर लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता इतना गंभीर रोल भी पर्दे पर निभा सकते हैं। दर्शन जरीवाला फिल्मी पर्दे के साथ साथ एक सफल और प्रचलित अभिनेता रहे हैं, लेकिन अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए प्रसिद्धि पाने वाले दर्शन को अपनी निजी जिंदगी में सफलता हाथ नहीं लगी। दर्शन ने साल 1980 में टीवी अभिनेत्री अपरा मेहता से शादी की थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक साल बाद ही 1981 में दोनों ने फिर से आपस में शादी की थी। इसके पीछे उनका परिवार था जो चाहता था कि दर्शन और अपरा की शादी धूमधाम से हो, इसी कारण से दोनों ने दोबारा शादी की थी। दर्शन और अपरा की एक छोटी बेटी भी है जिनका नाम खुशाली है, लेकिन उनकी दो बार शादी के बाद भी ये रिश्ता साल 2004 में टूट गया। हालांकि अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन और अपरा काफी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं। एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं। अगर उनके बॉलीवुड करियर की बात करें तो बॉलीवुड में भी उन्होंने लंबे समय तक अपनी एक्टिंग के जरिए फैंस को कायल किया है। बॉलीवुड में लंबे समय से एक्टिव दर्शन के अभिनय करियर पर नजर अगर डाले तो फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में रणवीर कपूर के ऑन स्क्रीन पिता का किरदार निभाया था, जो कि फैंस की तरफ से बेहद सराहा गया था। इसके साथ ही वह एंटरटेनमेंट फटा पोस्टर निकला हीरो और कमांडो सहित 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बड़े पर्दे के साथ साथ दर्शन छोटे पर्दे पर सीरियल सास बिना ससुराल, सरगम के साढ़े साथी, अदालत, बा बहू और बेबी जैसी कई शोज में भी काम किया है। दर्शन जरीवाला जी आज 64वां बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर हमने उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर आज गौर किया है। इसी तरह और भी लेटेस्ट यूनिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें देसी चैनल, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। और अब मुझे यानी शिवांगी को दे इजाजत, जल्द होगी मुलाकात न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।